इसराइल और ईरान जंग एक बार फिर खित्ते में बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार। इसराइल और ईरान जंग के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। खबर ने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया। ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी। इसराइली फौज ने फर्ज में इजाफे का मुतालबा कर दिया। तिलेबेब इसराइली फौज ने ईरान के जोरी प्रोग्राम पर मुमकिन हमले की तैयारी के लिए बजट में इजाफे का मुतालबा कर दिया। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से कबल आप तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। तो आगे नाजरीन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इसराइल में बुध को शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट पर इब्तदाई बहस के दौरान ये मामला उठाया गया था जिसे नई हुकूमत आने वाले महीनों में मंजूर करेगी। ईरान पर मुमकिन हमले पर बहस का मामला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान वायाना में बिलवास्ता मुजाकरात के इम्कान पर गौर कर रहा है जिसका मकसद ईरानी जोरी मुआहदे को बहाल करना है। इसराइली नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्की सिक्योरिटी कौंसिल और साबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पर ईरान के जोरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए ज़रूरी इकदाम के मुनासिब तरीके से तैयारी को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसराइली सिक्योरिटी सर्विस के नामालूम ज़राए ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने ईरान पर मुमकिन फौजी हमले के लिए फ़र्ज़ मख्तस नहीं किए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और ईरान जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।